एलविश भाई भाई क्या सिस्टम चल रहा है? सिस्टम हो रही है। अरे वो मैं पूजा भट्टी को वोट देने आया था यार। साली ये देखो, ये 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 अज्जू भाई ने स्टेज पर चढ़ दी, ऐसी तोड़फोड़ करवा दी कि उसके बाद ना स्टेज रही ना कोई। हेलो गाइस, एकदम नया दिन, और नया दिन क्या, बिल्कुल एकदम तैयार हो गए, हम निकल रहे हैं। सबसे पहले आज शाम को ही मीटअप है एलविश यादव के लिए, उससे पहले हमें जाना है रूबल भाई के पास, क्योंकि रूबल भाई का घर वही है, रोहिणी में मीटअप है उसके जस्ट पास ही। क्योंकि अभी हमें सिचुएशन पता नहीं कि रोहिणी में एकदम जाके वहाँ पे जो लोकेशन है वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, तो पहले हम सब लोग होटल में मिल रहे हैं, उसके बाद जैसे ही अपडेट मिलेगी तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे एडवेंचर आइलैंड। रुकना कौन सा वाला है तुम में से? रुके तो सीपी जाके लाइट्स लावेगा करा, फिर ये गाड़ी लेके नोएडा चला जाएगा। हम शाम में कैब से आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? या वेरी गुड, ऐसे ही कर लें। ठीक है, लेकिन गाड़ी बिना टैटू के जैसे कैसे हो रहे नोएडा तक? क्योंकि मुझे ड्राइविंग पर ट्रस्ट नहीं है मेरी। हाँ क्यों? अरे नहीं किंग, बढ़िया चला मैं। नहीं ऐसे ही मैं मन ही ले रहा था। आदमी जहाँ स्ट्रॉन्ग हो वहाँ से वीक कह दो तो उसकी ईगो एकदम ऐसा हो जाएगा। अब तो एक टायर पे लेके जावे। और अभी हम जा रहे हैं किधर? बागपत। बागपत ही है यार बिल्कुल, रोहिणी तो है ना। इधर तो फ्लैट्स वगैरह पहले थे ना यार, ये जो बने अभी ये सब। उस दिन रूबल भैया बता तो रहे थे कि इधर जितना डेवलपमेंट है अभी शुरू हुआ। अब हमारा गांव भी कहीं इधर ही है, पर मैं गए हुए काफी साल हो गए। मुझे लेने में कोई फायदा है यहाँ पे प्रॉपर्टी यार? समझ नहीं आ रहा क्योंकि रुका हुआ है यहाँ तो कंस्ट्रक्शन भी सारा। दिल्ली में फ्लैट कल्चर है ही नहीं वैसे। फ्लैट कल्चर लाया ही पूरा गुड़गांव और नोएडा। अभी तो 33 किलोमीटर है दिल्ली बेटे, है तो फायदा अगर 33 तक इतना बन गया तो। इस तो बात है, इधर तो कोई हॉस्पिटल या कॉलेज वॉलेज बन रहा है भाई। देख ऐसा है, दिल्ली में जहाँ रहने की जगह बनेगी लोग वहाँ पड़ जाएंगे आगे, तो एक तथ्य ही है। आस पास के गाँव लो जहाँ मिले लो। रूबल भाई के घर के बाहर खड़े तो मैंने फोन किया था, रूबल भाई ने धमका के कह दिया कि आ रहा भाई 2 मिनट में। अब उन्हें तो यूं भी नहीं कह सकते कि इतनी देर से वेट कर रहे हैं। रूबल भैया किसी दिन भटक गए तो काबू में कैसे आओगे? रूबल भैया काबू में आने के भागना पड़ेगा। भागना ही पड़ेगा पत्ता थोड़ी। तो अभी शौर्य गाड़ी लेके जाएगा। कनॉट ले जा रहा तू? मैं हाँ सीपी जा रहा हूँ। हम जाएंगे रूबल भाई के साथ। अज्जू भाई का फोन आ रखा है, उधर पूरब जा भी आ रहे हैं, तो सबका कॉल आ रहा है कि भाई आ जाओ कहीं वहाँ पे आसपास में किसी होटल में है। तो अभी मैं बताऊंगा आप लोग, मैं कंफर्म करके कौन से होटल में, तो पहले वहीं जाना। पहले सारे क्रिएटर्स होटल में आ रहे हैं, वहाँ से जाएंगे। भूख और पेशाब एक साथ है बस आ जाए मगर, नहीं तो अच्छा नहीं लगता कि हाथ मिलाने से पहले किसी घर में जाना। लेकिन आपकी आवाज तो भैया क्राउन प्लाजा में हम लोग रुक रहे हैं 5 मिनट के लिए। हम इतना लेट हो गए कि 5 मिनट का टाइम हमारे पास। मुझे लग रहा है भीड़ तो यहीं इकट्ठी हो रही होटल के बाहर, दिख तो रहे हैं लोग। अभी चलते हैं, क्रिएटर है अभी। पहले अज्जू भाई के टच में हूँ मैं, तो अज्जू भाई ऊपर बुला रहे हैं, तो चलते हैं। कर दो एलविश भाई। भाई क्या सिस्टम चल रहा है? सिस्टम हो रही है। अरे वो मैं पूजा भट्टी को वोट देने आया था यार मैं। पूजा भट्टी इसका कार्ड यार, पापा जी की बात हो रही है अंदर तो। अरे नाम, मैं भी बनाऊंगा। ओए नाम चले साली, ये देखो ये 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 ब्लॉगर 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 ब्लॉगर्स। बहुत बढ़िया, सारे क्रिएटर से मिले बहुत अच्छे से होटल में, और अब होटल से ही वापस अपने घर जा रहे हैं। भाई बाहर तो जाने नहीं दिया, लक्ष्य का बहुत वेट था पर लक्ष्य गया नहीं बाहर, जाना चाहिए तेरे को। अज्जू भाई ने स्टेज पर चढ़ते ऐसी तोड़फोड़ करवा दी कि उसके बाद ना स्टेज रही ना कोई इवेंट रहा ना कोई जा पाया। हम खुद ना जा पाए भाई, रूम के बाहर हो गए। हम तो मीटअप था क्रिएटर का, मैं तो यहाँ मिला 2-4 लोगों से बस कॉरिडोर में। बस भाई मैं मिला हूँ, भाई कोई नहीं भाई। डाका आज लोगों का विजन ऐसा था, हम 15वें फ्लोर पे थे और स्टेज थी कम से कम भी 800 मीटर दूर होगी। यूं कह रहे कि खिड़की बंद कर लो, आप दिख रहे लोगों को। फोन आ रहे जूम लेंस था भाई, ये तो हुआ है गलत, मतलब गलत ही पब्लिक गलत। कितने होंगे मतलब लगभग, कितने लोग? 8-10 हजार। नहीं नहीं 30-35 हजार आदमी। ना ना 8-10 हजार का मेट्रो वर्क वाले मेट्रो, मतलब 5 बजे पुलिस वालों का फोन आया था जब कटारिया मेरे साथ था, तो पुलिस वाले कह रहे थे हमने 80 हजार गिन लिए, पर हमने कहा भाई 80 हजार नहीं 50 तक मान सकते हैं क्या होंगे। 5 बजे का इवेंट था, 5 बजे स्टेज टूट चुकी थी। 5 नहीं बजन दी स्टेज को, स्टेज 5 बजे से पहले टूट गई। हाँ पर मजा बहुत आया सबसे मिलकर, क्रिएटर्स मीट हो गई। वो तो हालात कुछ ऐसे थे कि हर जगह रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर कोई नहीं, बहुत सारी मिल जाएगी। हाँ क्लिप्स मिल जाएगी, ड्रॉप कर लो। अभी भी नीचे देख रहे कहीं पब्लिक तो नहीं खड़ी है। एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं ना रूल भाई, आप चलो ना पकड़े। पॉपुलेशन तो इतनी है कि डजंट मैटर, एक आधा नीचे
कोई अरे भाई मुझे दारू भी डैड करके दिखा दो एक बार। अरे हम कर तो सी लाइव तो करके दिखाए यार। क्या डायलॉग बोलो? कोई भी एक जो फेवरेट हो। मेरा तो पहला फेम आ चुका, हमको नहीं चढ़ती दारू को हम चढ़ जाते हैं। लेकिन भाई मुझे पता चला है कि रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं पीते। नहीं पीता कुछ भी। हर बात भी वही काम करो जो खुद नहीं करता। तुम जाना पहले मैं अपना बंद कर मैं पिला कर बैठ जाता हूं बगल में फिर देखता रहता हूं क्या कर रहा है। चकना मास्टर ए चकना मार रहा सबका मजा मालूम। लेकिन भाई इतना रियल लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पीते होंगे तभी इतना रियल लगता है। नहीं मेथड एक्टिंग आपको कैसे पता है कि वो रियल है? अभी होटल के बाहर इवेंट के 5 घंटे बाद भी और इवेंट खत्म होने के बाद भी कितना क्राउड है बाहर। बस हमारी गाड़ी आने लग रही है और निकल रहे हम। पर मुझे काफी बुरा लगा यार उन लोगों के लिए जो आए और मिल नहीं पाए। पर कोई नहीं यार, मतलब सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, लोगों की सेफ्टी की वजह से ही नहीं हो पाया फिर आगे इवेंट। नहीं भाई दिल्ली के कौन से कोने में थे, आधे घंटे से चल रहे और 20-30 मिनट का रास्ता अभी भी रह रहा। जहाँ से हम चले वहाँ से 1 घंटा दिखा रहा था। हाँ तो 2 मिनट के लिए व्लॉग खोल रहा था तभी कॉल आ गया और उस बीच 20 मिनट कब निकल गया पता नहीं लगा। नोएडा में पहुंच चुके हैं बिना कुछ करे आज। हाँ यार आज तो आगे हैं कुछ जाते ही और काम वाली हमने हटा दी कल से जो है एक न्यू न्यू वैकेंसी तो वैसे हमने छोड़ी नहीं, 2 घंटे के लिए वैकेंसी है, उसके बाद आ रहा है एक बंदा। सुबह 9 बजे तक की वैकेंसी है अगर किसी को आना हो। और व्लॉग डला 11 बजे तो है ही नहीं वैकेंसी। वैकेंसी टाइम में पीछे जाके क्रिएट करनी पड़ेगी। वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी 2 घंटे पहले खत्म हो चुकी होगी। पर भाई आज मैं इतना गंदा थक गया ना, पता नहीं क्यों बैठे बैठे लिट्टे लिट्टे थक गया और भूख लग रही बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि मैं वहाँ खाना किसी ने खिलाया नहीं था यार, पर इतनी भीड़ में कहाँ खाया जाए। असल में बाहर जाके एक तहजीब से भी तो रहना पड़ेगा। ये दोनों कपड़े बांध लो, किसी ने खाना दे दिया कम खाना। एक सैंडविच मिला था यार वो भी आता कोई और ही खा के हमारा। उस पर भी कई लोगों की ऐसा नजर सी थी, वो पेट भरा नहीं होगा उसने। ओ भाई साहब इतने सालों बाद अपने घर में एंट्री लेते हुए भाई क्या हालत बना दी घर की यार। मुझे सच में बड़ा अनयूजुअल सा लग रहा है इतने दिनों में आ गए। एंड दिस इज माय रूम। ओहो साले नाम रखते हैं कि मैं जो हूँ मैसी हूँ और खुद देखो बेड की हालत क्या कर रखी। तो लोग मेनली ये पूछे हैं जैसे आज मीटअप के बाद कि किसके चांसेस लग रहे जीतने के। अरे मतलब लोग ये नहीं समझ रहे कि इस चीज से कुछ पता लग पाने का। भाई मीटअप में मुझे बाद में 3 लड़के मिले, वे यूं कह रहे कि एल्विस भाई का मीटअप तकड़ा था। मगर कैसे पता तुम्हें? कह रहे हम फुगरा भाई के में भी गए थे। कैसे बता दे तू वहां भी जा रहे यहां भी आ रहे। मगर भाई तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। लेकिन यार मैं अभी तक मीटअप के सदमे में से ही नहीं निकल पाया। तुम आगे तो क्या ही बताऊं, मतलब जैसे ही मैं वहां गया 5 बजे से ही वहां गाड़ी टूटनी शुरू हो गई थी। बैरिकेड टूटने शुरू हो गए थे 5 बजे से टूटने शुरू हुए। 5:30 बजे पुलिस के ऊपर को बॉडीगार्ड जितने थे वहां सबके ऊपर को भीड़ उतर चुकी थी। पूरे होटल में फैल गई थी, होटल में घुस गए, पूरे होटल के इमरजेंसी में बजर से बचने शुरू हो गए थे। पूरी भीड़ इमरजेंसी इसमें एग्जिट में घुस रही उसमें घुस रही। पूरे होटल का स्टाफ जो छुट्टी पे था वो भी बुलाया गया। और भाई मैं तो पता नहीं किस किस के रूम में छुपता फिरा। नीचे जाके मैं पैराडॉक्स के रूम में छुपा पहले, फिर वहाँ बहुत सारे लोगों से और मुलाकात होगी। लेकिन मैं ज्यादा व्लॉग करा नहीं यार। एक व्लॉग ना करने का ये भी रीजन था कि यार वहाँ पे ना बहुत लोग थे और जब इतने सारे लोग साथ बैठे रहे तो बहुत अच्छा प्राइवेट बातें हो गए हैं, सब कुछ हो गया है तो अच्छा नहीं लगता। बाकी बहुत सारे लोगों ने बीच बीच में व्लॉग किया है, आप किसी का देख लेना। अगर सबका मिक्सअप सही है यार, हर कोई कर भी नहीं पा रहा था, हर कोई कर भी रहा था। वहाँ क्या ही चल रहा था मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। पर मैं नहीं करता ऐसी जगह जहाँ मुझे बहुत शोर इतना मच रहा था कि होटल का मैनेजर आया, उसने कहा क्या हो गया भैया सब ठीक है या नहीं। और जैसे ही उसने कहा पूरा हो गया, पूरा उधर से चिल्लाया, फिर वो सिर पकड़ के खड़ा हो गया। वही कर रहे हैं भाई क्या हो गया। एक बार को तो वे बेचारे सदमे में पहुंच गए थे। ये समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों के लिए इतनी जनता इकट्ठी हुई, 50,000 जितने भी लोग थे, एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, और ये लोग जो है ये इतना शोर मचा रहे अंदर, इन लोगों के लिए लोग आ कैसे गए उसे ये समझ नहीं आ रहा था। मतलब वो होटल आज सर पे उठा हुआ था। आज वहाँ जितने गेस्ट उनके वैसे आए हुए थे ना जिन्होंने बुक कर रखा था, वो उनका तो एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं कैसा ही रहा होगा। उस होटल में मुझे यूं नहीं पता कौन स्टे कर रहा कौन भागे फिर रहा। मैं जब भी कॉरिडोर में निकलू उधर से 5 लोग भागे आवे, फिर न्यू लिफ्ट में पड़ जाए किसी का कार्ड लगा के ऊपर नीचे यूं ही था। उस पूरे होटल में छुपम छुपाई चल रही थी वहां और कुछ नहीं। वो एक भूल कौन सी मूवी वो फिर मैं 814 में आ गया, मैं 915 में आ गया, मैं 1221 में बैठ गया,
मैं 1301 में बैठा। एक बार तो मैं कैसे भी रूम में घुस गया, वहाँ बाहर के भोपाल के गेस्ट थे, वहाँ पे ना एकदम इमरजेंसी बजर बजने लगे और एकदम आवाज आई मुझे कि सीढ़ियों से कोई भाग कर आ रहा, क्योंकि उन्होंने लिफ्ट बंद कर दी थी सारी। तो मैं ऐसे ही एक गेट खटखटाया, खटखटखट, मैं क्रिएटर ही हूँ, उन्होंने खोला, मैं अंदर घुस गया, दो लोग भोपाल के बैठे। यू कह रहे भाई हम तो पहचानने तुम्हें, मगर तो थोड़ी देर बैठ ले दो फिर जाऊंगा यहाँ से। अरे पता हमारे रूम के बाहर से वे पूरव जहाँ वगैरह वे बात करते हुए जा रहे थे थोड़ा तेज, तो पूरव की आवाज सुनी किसी ने, गेट खोला वो हर्ष बेनीवाल लड़ा रहे, और जैसे ही गेट खोला दूसरा हर्ष खड़ा दिया उस सामने, मुझे पहचानना नहीं, गेट बंद कर दिया। एक क्या हुआ, होटल का ना मैनेजर मिला मुझे पैराडॉक्स के रूम में, वो था एमसी स्क्वायर था, तो इन्होंने ना हर्ष बेनीवाल और हर्ष बेनीवाल की टीम, मोहित चिकारा सब लोग इन्होंने वहीं बुला लिया, और धीरज भैया जो मैनेजर हैं, तो वहां जब सब मिल लिए ना, उस रूम में 36-37 लोग हो गए, वहां खाली ऑक्सीजन खत्म होगी पूरी, क्योंकि उन्होंने खाना खाओगे इतनी प्लेट कर रखी थी, उसकी स्मेल मिक्स होगी, सब हो गया। फिर वहां से बाहर निकले, मैं कहा भाई हम तो चल रहे, तो हम 6-7 लोग, मैं हर्ष बेनीवाल ये सारे लोग एक लिफ्ट में जाने लगे, वहां होटल का मैनेजर आ गया, कहने लगा सर आप ऊपर नहीं जा सकते अब। मैं कहा भाई क्यों नहीं जा सकता, हमारा रूम तो ऊपर है। कह रहा नहीं ऊपर अफरा तफरी मच रही है, आप लोग मान नहीं रहे, जब ये पूरा हो जा चिल्ला रहा था, तो मैं लेके जाऊंगा आपको, एक एक का रूम का कार्ड लगाऊंगा और वहां अंदर ही रहना आप, यहाँ होटल में लोग आ गए बहुत सारे, ठीक है। अब वो सबको लेके लिफ्ट में चढ़ा, वो लिफ्ट टीटी करने लगी, वो ओवरलोड होगी, तो उसने एक बॉडीगार्ड निकाला जो धीरज भैया लेके आए थे, उन्होंने उसे बाहर किया कि भाई रुक जाओ ये लिफ्ट ओवरलोड है, तब भी ओवरलोड रही। फिर एक और बंदा निकला, फिर ओवरलोड रही, कहने लगे अब कौन निकले, कोई क्रिएटर को तो कह नहीं सकता। मैंने कहा मैं निकल रहा, मैं निकला तब भी ओवरलोड रही, फिर कोई एक और बंदा निकला क्रिएटर, उसके निकलते ही सब क्या गए चलो हम अगली बार, फिर सब बाहर आ गए, अंदर रह गए होटल का मैनेजर लिफ्ट में, दोबारे सब कॉरिडोर में खड़े रह गए। भाई वो पागल हो गए, वो कह रहा सर मैं आता हूँ सीढ़ियों से, आप लिफ्ट में चलो मैं आपको ऊपर मिलता हूँ, मैं जाऊंगा आपके रूम में। इतना गंदा हाल हो गया था आज, बस क्या ही बताऊं, कटारिया कहीं भीड़ में फंस गया, मुझे कम से कम 3 घंटे बाद कटारिया मिला। कटारिया ना तेगा भाई बाहर ना 3 लड़के खड़े, इनसे फोटो खिंचवा लो। मगर कौन है, कह रहे मेरी जान बचा के लाए, भीड़ में से 3 सब्सक्राइबर कटारिया को अपनी गाड़ी में बिठा के लाए। अजीब माहौल तो भाई, अभी शोरे को दूध लाने के लिए कहा था, कोका कोला ले आया। सुनो तो कोका कोला कहाँ मिली, वो जो चाप की दुकान थी उस पे मिली कोका कोला, कहीं से भी आती है ना। वो अभी 15 मिनट पहले हमने वो दे दिया था, वो हार जो नहीं देते घर के मैनेजमेंट का, हमने सूर्य से कहा, मैं कहा भाई सूर्य भाई कल से घर का मैनेजमेंट रहना चाहिए, और ऑफिशियली कागज साइन हो चुका है और नाम सूर्य तो मैंने लिखवा दिया, अरे भैया तारी ऐसी इस लेवल का मैनेजमेंट चाहिए कल से अभी से आज रात 12 फेल इंटरव्यू में 12 बज लिए अभी से हो चुका। अरे मुझे लगा सबके सोने के बाद सोए, सबके उठने से पहले उठ लिए, और दोपहर में कब सोए पता भी नहीं दिया। बैटमैन वाला शेड्यूल है यार, शोरी यार कम है यार। नहीं जैसे कार्स में, कार्स मूवी देखी, कार्स में वो एक लाइटनिंग मैक्वीन का कॉर्नर मैन है, वो टायर बदलने वाला, जितना फास्ट हो रहा है उतना फास्ट बनना, बस ट्राइपॉड लगा के यूं कर दिया, यूं एडिट मार दिया यार। शोरी यार ये क्लीनिंग नहीं कर रहे यार, ये बताओ ये बेडशीट नहीं बदली कल से यार। अरे भैया थारा हक का थोड़ी धो देंगे आपको कल, बुलाओ यार फटाफट यार बाहर से किसी को यार। नहीं मैं नहीं यार, मैं नहीं टॉलरेट करूंगा यार। वीडियो एडिट नहीं हो गया ये अभी तक यार, स्पॉन्सर से कोई यार तुम्हारा कोई रिवर्ट नहीं है यार, क्या काम है यार, घर में भी कुछ नहीं यार, टेक्निकली भी कुछ नहीं। मॉक इंटरव्यू चल रहा, क्या जवाब है ये, इस लेवल पर चाहिए काम, यूं काम यही रिवोल्व कर रखा है ये लोग। और शाम होते ही मगर सॉरी भाई कल नहीं आज ही चलते हैं जिम। बैंगलोर से आते ही हुई है वापस, डन है मामला। सोरिया भाई क्या दिक्कत है यार, लग नहीं रहा यार जिम, यार क्या जिम है यार, ये क्या मैनेजमेंट है यार।